वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से ईद की नमाज नमाजियों ने अपने घरों में अदा की। अयोध्या शांति सौहार्द एवं भाईचारे के पर्व ईद पर जनपद वासियों द्वारा कोरोना महामारी की दृष्टिगत इससे बचाव के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शांति एवं सौहार्द के पर्व ईद के त्योहार को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए अपने घरों में मनाने व ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करने व सड़कों व गलियों में एकत्र न होने की अपील का जनपद वासियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। जनपद में कहीं पर भी सामूहिक नमाज नहीं अदा की गई और संपूर्ण जनपद में अमन चैन कायम है। एक बार फिर अयोध्या ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल प्रस्तुत की है, जिसके लिए अधिकारी द्वारा जनपदवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। कोविड 19 वैश्विक महामारी लॉकडाउन के बाद पहली बार ईदगाह सुनी सुनी नजर आई। सभी लोगों ने अपने घरों में रहकर नमाज अदा किया। छोटे छोटे नौनिहालों ने नमाज अदा की। इसी मुद्दे पर बाबरी मस्जिद मुद्दई इकबाल अंसारी ने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए ईद हर बार आते रहेंगे। बात ईद मिलन की रही तो लॉकडाउन बाद भी हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, बस आपकी दुआएं कबूल होंगी। इसी मुद्दे पर इंडियन मुस्लिम लीग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने कहा, शासन प्रशासन के आदेशों के अनुपालन में सभी लोगों ने अपने घरों में रहकर ईद मनाया। सभी देशवासियों को डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। हम सबसे पहले ईद की मुबारक तमाम भारतवासियों को देना चाहते हैं और हम इस मौके पर डॉक्टर, खासकर डॉक्टर को, पुलिस प्रशासन को, सफाई कर्मियों को और पत्रकारों को भी बधाई देना चाहते हैं जो इस कोरोना वायरस के मुसीबत की घड़ी में जान पे खेल करके वो जनता की, आवाम को बचाने का काम कर रहे हैं। वो भी इसके ईद मुबारक के बहुत बड़े बड़े मुस्तहक हैं और उनको मुबारकबाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। ये आप लोग कर रहे हैं, हमारे पुलिस प्रशासन कर रही है, हमारे डॉक्टर कर रहे हैं, हमारे सफाई कर्मी कर रहे हैं और पत्रकार बंधु भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ और ईद की मुबारक भी, और यूँ भी उनकी बधाई मुबारकबाद देता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देश हित में भी है, प्रदेश हित में भी है और जिला हित में भी है और इंसानी हित में भी है, क्योंकि जब इंसानी नहीं रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए इस ईद की मुबारक मौके पर, क्या नाम का, मैं डॉक्टर नजमुल हसन गनी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। लोगों को हम यही देते हैं, पहले तो हम ईद की मुबारकबाद सभी अपने देशवासियों को देते हैं और हम जो है लोगों से यही अपील किया है कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें और मस्जिद में जो है, अभी फिलहाल जो है ये महामारी जब तक है हमारे देश में, तब हम सभी लोग जो हैं अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ें और गले नहीं मिलना है। लोगों को जो है बस अपने अपना ऐसे ही जो है मुबारकबाद दे देना है लोगों को। क्या संदेश देना चाहते हैं इससे हम लोगों को यही संदेश देते हैं कि मतलब इस बीमारी से बचने के लिए अभी से यही है कि लोग जो है दूर दूर रहें और लोगों को जो है अपने मतलब घरों में रहें और मस्जिदों में नमाज न पढ़ें, एक साथ मिल करके न रहें। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हिलाल अहमद है, मैं दरगाह हज़रत सीस अलैहि सलाम का मुतवल्ली हूँ। हमारा जो त्यौहार है ये रमजान शरीफ का महीना पूरा गुजर गया, पूरे महीने तरावी लोगों ने भी घरों में पढ़ी है, नमाज जो भी हुआ रोज़ा नमाज सब घर ही में हुआ, ईद की नमाज भी घरों में पढ़ी गई है। क्योंकि ईद की नमाज घरों में पढ़ने का जो है जो मकसद हमारे यहाँ रहा, क्योंकि ये लॉकडाउन का पालन भी लोग कर रहे थे और कोरोना की बीमारी का को देखते हुए लोग अपने घरों में जो है नमाज जो है पढ़ रहे थे, क्योंकि ये कोरोना की बीमारी पूरे दुनिया को परेशान कर रखा है। अभी कोरोना के जो है बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जब इसका इलाज मिल जाएगा तो ये जो कोरोना का संकट है ये सभी खत्म हो जाएगा।
हमें तो है पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसा भी गुजरा बहुत जो है बेहतर रहा, लोगों ने नमाज भी पढ़ी, रोज़ा भी रखा, ज़कात भी दिया, फितरा भी दिया, खैरात भी किया, और आपस में जो तालमेल हिंदू मुसलमानों का है ईद मिलन का वो भी जो है होगा, क्योंकि तो अभी हम लोग गले तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन दिल हमारा मिला हुआ है। हम ये पूरे दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी कोरोना खत्म जो हो जाएगा हम लोग दोबारा फिर गले मिलेंगे, क्योंकि दिल तो मिला हुआ है, उससे हम दूर नहीं हैं। हमारा हिंदू मुसलमान का जो है जो मज़हब है, जो आपसी भाईचारा है, वो हमेशा कायम रहेगा और कायम रहेगा, क्योंकि हम जो है आज का त्यौहार ये सबके लिए था, क्योंकि जब जहाँ पे जो है ईद मिलन होगा ता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग गले मिलते थे, गले तो नहीं मिल पाए लेकिन जो है दिल हमारा मिला हुआ है, और कोरोना खत्म होने के बाद में हम फिर से जो है जैसा था पहले वैसा फिर ही वैसे जो है हो जाएगा। हम आज ये चाहते हैं कि लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो लॉकडाउन का पालन करने के लिए आदेश जो है किया है उसका लोग पालन करें। कोरोना को भगाने के लिए डॉक्टर मास्टर इंजीनियर सारे लोग लगे हुए हैं, ये बीमारी बहुत जल्द अपने देश से चली जाएगी। हमने आज जो नमाजी पढ़ी है उसमें ये दुआ भी मांगी है। हम लोगों ने ईद का त्यौहार बहुत ही सादगी के साथ मनाया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरे हमारे देश हिंदुस्तान में इस समय तकलीफ में है लोग, तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अपने घरों पर अदा करी और सरकार की जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत आज ईद का त्यौहार अपने घरों पर मनाया जा रहा है। सेवइयाँ खाई जा रही हैं, अपने घरों पर ही त्यौहार को सादगी के साथ मनाया जा रहा है।